Dawn Express, Aina Sashka. द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। जलियांवाला बाग के नरसंहार का इंग्लैंड की धरती पर जाकर बदला लेने वाले अमर शहीद उधम सिंह के 80वें शहीदी दिवस पर स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्रोही ने कहा कि 2 दिसंबर 1899 को सुनाम पंजाब में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले उधम सिंह के मन में 13 जनवरी 1919 के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड का इतना असर हुआ कि उन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही ठान लिया था कि देश की आज़ादी की आवाज़ उठाने वाले निहत्थे नागरिकों के हत्यारे जनरल डायर को दंड देकर वे भारतीयों के साथ न्याय करेंगे। युवा अवस्था में लंदन जाकर वर्षों तक शहीद उधम सिंह जनरल डायर को दंड देने के लिए धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे और आखिरकार 1940 में उन्होंने जनरल डायर को गोली मारकर अपना प्रण पूरा किया और जलियांवाला बाग के सैकड़ों निर्दोष भारतीयों के हत्यारे को दंड देकर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। विद्रोही ने कहा कि न्याय का नाटक करके अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने 2 माह में मुकदमे की नौटंकी करके भारत के लाडले सपूत उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी देकर दुनिया के इतिहास में अमर शहीद बना दिया। आज उनकी शहादत की 80 वर्ष बाद भी हम उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने की सीख प्राप्त कर रहे हैं। विद्रोही ने कहा कि ऐसे महान शहीद को आज श्रद्धांजलि देकर वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं अगली खबर, शनिवार 1 अगस्त को ईद मनाई जाएगी। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ईद का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। मुस्लिम समाज के लोग इस पाक त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल में 2 बार ईद मनाई जाती है, ईद उल जुहा और ईद उल फितर। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है और ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से जाना जाता है। शनिवार 1 अगस्त को पड़ने वाली ईद बकरीद है। ईद उल फितर या मीठी ईद रमजान के 30वें रोजे के चांद को देखने के बाद मनाई जाती है। बकरीद, जिसे बकरा ईद या ईद उल अजहा भी कहते हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा त्यौहार है। पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा को त्याग और बलिदान का त्यौहार मानते हैं। बकरीद का त्यौहार मुसलमानों के लिए दूसरी बड़ी ईद है। ईद उल फित्र रमजान महीने के उपवास की अवधि के समाप्त होने पर मनाया जाता है, जबकि बकरीद वार्षिक हज यात्रा के समापन के लिए जाना जाता है। ईद उल जुहा का चांद जिस दिन नजर आता है उसके 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। इस ईद उल अजहा पर ही पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की इबादत में बकरे की कुर्बानी देते हैं। इस साल बकरीद का त्यौहार 31 जुलाई से शुरू होगा और 1 अगस्त को शाम को ख़त्म होगा। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के बीच सऊदी अरब में शुरू हुई हज यात्रा में अलग ही नज़ारा देखा गया है। लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और वे आइसोलेशन के बाद वे छोटे समूह में आ रहे थे। यहाँ बहुत कम लोगों की हज की इजाज़त दी गई है। विदेश के उन्हीं लोगों को हज की अनुमति मिली है जो पहले से यहाँ रह रहे हैं। इस बार जिन लोगों को इस साल हज करने की मंजूरी मिली है उनकी बीते सप्ताह मक्का पहुँचने पर कोरोना जांच की गई और तापमान भी लिया गया। श्रद्धालुओं को हज यात्रा से पूर्व और इसके बाद अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। देश के धार्मिक मामलों के मंत्री मोहम्मद सालेह ने कहा कि यहां आने वाले लोग अपने घरों में क्वारंटीन रह चुके हैं, जबकि इसके बाद उन्हें मक्का के होटलों में 4 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। जो लोग इस साल हज में हिस्सा ले रहे हैं उनमें 30% सऊदी अरब के नागरिक हैं और अन्य लोग सऊदी में रह रहे दूसरे देशों के नागरिक हैं। वहीं अगली खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि US की तरफ से चीन के खिलाफ चलाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान रंग लाया है। उन्होंने भारत की तरफ से चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने के आधार पर यह बयान दिया। दरअसल US स्टेट डिपार्टमेंट के लिए 2021 के बजट पर अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पर बोलते हुए माइक पोम्पियो ने यह बात कही।
उन्होंने कहा है कि भारत ने टिकटॉक सहित 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उनके नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरा था। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने चीन के खिलाफ एक क्वाड ग्रुप बनाया है। हमारा यह ग्रुप काफ़ी मजबूत है और इस पर हमने काफ़ी मेहनत भी की है ताकि आने वाले समय यह और ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो सके। पोम्पियो ने समुद्री युद्धाभ्यास की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूके जैसे दोस्तों के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री युद्धाभ्यास करने पर हमें गर्व है। वहीं अगली खबर, दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। इसी बीच एक बार फिर कोरोना को लेकर WHO ने लोगों को सचेत किया है। WHO का कहना है कि लोगों को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना महामारी एक बड़ी लहर है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में इस वायरस को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करने की भी चेतावनी दी है। हैरिस ने कहा है कि कोरोना वायरस किसी आम इन्फ्लुएंजा की तरह नहीं है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाए। हैरिस ने कहा, हम अभी कोरोना वायरस की पहली लहर से जूझ रहे हैं, यह एक बड़ी लहर बनने वाली है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस कर्व को फ्लैट कर सकते हैं। हैरिस ने कहा, लोग अभी भी इसे मौसमी बीमारी की तरह देख रहे हैं। हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक नया वायरस है जो अलग तरह से व्यवहार कर रहा है और ये वायरस हर मौसम में रहने वाला है। वहीं अगली खबर, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख BS धनोआ ने राफेल लड़ाकू विमानों के भारत की धरती पर उतरने का स्वागत किया। साथ ही कहा है कि उन्होंने राजनीतिक विवाद के बावजूद इसके खरीद के सौदे का बचाव इसलिए किया था कि वह नहीं चाहते थे कि इसका हाल भी बीफोर्स जैसा हो जाए। 1980 के दशक में बीफोर्स तोप खरीदने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी गई थी और इसके बाद राजनीतिक असर के चलते रक्षा खरीद पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और नौकरशाह सैन्य खरीद पर निर्णय लेते हुए आकंक्षित रहते थे। एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा कि हम रक्षा खरीद प्रक्रिया के राजनीतिकरण के खिलाफ थे, यह वायुसेना की क्षमता के ए सवाल था। धनोआ ने कहा कि मैं भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी खुश हूं क्योंकि राफेल ने वायुसेना को हमारे विरोधियों पर जबरदस्त बढ़त दी है। वहीं अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की नौशहरा पंचायत में सैनिक परिवार का बेटा आतंकवादियों से तो जीत गया लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे नतमस्तक है और घर तक एम्बुलेंस रोड को पक्का करवाने के लिए हार गया। जानकारी के मुताबिक पंकज राणा वार्ड 3 नौशहरा पंचायत निवासी हैं। पंकज राणा के मुताबिक उनके घर तक एम्बुलेंस रोड सेक्शन किया गया ताकि उन्हें आपात स्थिति में कोई भी मुश्किल ना उठानी पड़े। नेताओं ने आश्वासन दिया कि तत्काल उनके घर तक कच्चे रास्ते को एम्बुलेंस रोड के लिए पक्का किया जाएगा, लेकिन आश्वासन कोरे ही रह गए। एम्बुलेंस मार्ग पक्का आज दिन तक नहीं हुआ। जवान को मलाल है कि जब भी वह छुट्टी आते हैं तो अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने में ही उनकी छुट्टी खत्म हो जाती है। घर पर माँ अकेली है, वह जा नहीं सकती। पंचायत ने भी आज दिन तक कोई गंभीरता मार्ग को पक्का करने में नहीं दिखाई। दफ्तरों से हारकर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हेल्पलाइन के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। पंकज की मां शकुंतला देवी का कहना है कि उनका सैनिक परिवार कच्चे घर में रहता है और पीने के पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। एक हेडपंप तक की मदद नहीं हो पाई है। सरकार मेरे सैनिक बेटे की मदद को आगे आएगी, उन्हें पूरी उम्मीद है। सफार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।